तो भाई अभी मैगी खा रहा हूँ, बन गया है ये देख लीजिए। और मैगी खा के आगे निकल जाऊंगा जोगिनी फॉल का तरफ, और वो देख के आके फिर चावल बनाऊंगा, क्योंकि अगर अभी बनाना शुरू कर देगा तो टाइम नहीं मिलेगा, धूप से पहले पहले उधर 1 घंटा ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा। गाइड और उनको नहीं दादी जी, एक्चुअली हम भी घूमने के लिए आया, मैं बहुत दूर से आया, मैं त्रिपुरा से आया, 4000 किलोमीटर दूर से। और ये भाई है तमिलनाडु से, और वो जो साथ में है ना वो वेस्ट बंगाल से है। तम तीनों अभी जो वाटरफॉल है ना वो देखने के लिए जा रहा हूँ, तबीयत ठीक है ना आपका? बहुत अच्छा लगा दादी यहाँ पे आके, सच्ची में कल रात यहाँ पे टेंट लगाया हम नीचे, ठीक है, और आज वाटरफॉल देख के ना फिर जाके इधर ही रहूँगा। सो ठीक है दादी, बाय दादी। सो चलिए, सबको लगता है कि मैं इन दोनों को मतलब लीड कर रहा हूँ, ठीक है, गाइड हूँ, लेकिन तो चलते चलते ना एक बहुत अच्छा लोकेशन मिल गया है, तो इसीलिए बस अभी नीचे जा रहा हूँ। तो क्या है ना, आज सोच रहा हूँ कि इधर पिकनिक करो, इसीलिए इधर जा रहा हूँ। और मेन जो वाटरफॉल है ना भाई बहुत काफ़ी ऊपर है, ऊपर चलते चलते मतलब जाते जाते तो मतलब 1 घंटा लग जाएगा, इसीलिए इस जगह को थोड़ा सा विजिट करने के लिए। भाई ये जो पानी है ना आप लोग देख रहे हैं ना, ये भाई वाटरफॉल से आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। चलिए गाइस, पिकनिक करने के लिए बहुत बढ़िया जगह मिल गया, क्योंकि रोज पिकनिक करता हूँ तो भाई मतलब पिकनिक स्पॉट ढूंढता हूँ जहाँ पे मतलब अच्छे से पिकनिक कर पाए। तो ये जो बहुत दूर में पहाड़ देख रहे हैं उसका ऊपर जाना है भाई सीरियस से। और गाइस देखिए, ये जो पत्ता है ना गाइस, ये जो किस पत्ता है मेरे को पता नहीं, उसका नाम एक्चुअली लोग बोलते हैं बिच्छू काटा, उसको तो मैं दोबारा टच नहीं करने वाला हूँ भाई, बहुत जलते हाथ। तो भाई अभी धीरे धीरे ऊपर चलते हैं, चलिए। और यहाँ पे मतलब साउंड आ रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो हो गया पे, मतलब पानी का बहुत जोर जोर से साउंड आ रहा है। सो चलिए, लेट्स गो एंड लेट्स सी। अभी ऊपर जा रहा हूं एकदम ऊपर, ये तो बस छोटा सा झलक था, मेन झलक तो देखना बाकी रह गया है मेरा दोस्त। और मैं जानता नहीं हूँ वही रूड है या नहीं, लेकिन अंकल को पूछा था, अंकल ने बोला वही रूड है, तो हम भी निकल पड़े टॉप में जाने के लिए। लास्ट पॉइंट बहुत करीब है, यहाँ से जाने में मतलब 30 मिनट लग जाएगा। ये इधर जाऊंगा तो यू टर्न लेके बस सामने है, मतलब और ज़्यादा तो नहीं है लास्ट पॉइंट, मतलब ये देखो भाई देवदार का पेड़, ये जो देवदार का पेड़ आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे भाई बहुत है भाई। साउंड सुन रहे हैं आप लोग पीछे बैकग्राउंड का साउंड, मैं तो भाई सुन रहा हूँ। और मैं जहाँ पे अभी हूँ ना एकदम लास्ट पॉइंट पे मैं आ गया, और भाई मैं कसम से कह रहा हूँ मैं साउंड को अभी एंजॉय कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा। थोड़ा सा सबर करिए, देख लेंगे आप लोग भी मेरा साथ साथ। मैं तो भाई भाग के ऐसा इधर, और भाई देख के मतलब भाई फर्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा वाटरफॉल देखा भाई, देख के मजा आ गया कसम से यार। और ये जो वाटरफॉल है ना भाई काफी बड़ा है और काफी ऊंचा में है, और अभी बस मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो रेस्ट करूंगा और बाद में आप सबको दिखाऊंगा। मेरा कैमरा भी थोड़ा सा जब्सा हो गया है क्या? हाँ सही है मेरा कैमरा। सो चलिए लेट्स सी।
चले गए, तो अभी निकलते हैं वाटरफॉल से और कुछ खाने का व्यवस्था करते हैं। भाई वाटरफॉल भी देख लिया और अभी धीरे धीरे निकलना चाहिए। ये क्या है भाई, ये देख लो क्या है भाई, काटा जैसा लग रहा है। कोई नहीं यार, लेट्स गो। वेट वेट, भाई साहब उनका कैमरा लगाने में बिजी है और यहाँ पे हमारा जो भैया है चंपक भैया, खाना बनाने के लिए प्लेट क्लीन करने में व्यस्त है, मतलब प्लेट क्लीन करने में बिजी है और मैं उधर आप सबको दिखाने के लिए बिजी हूँ। और मैं इन दोनों को बोल रहा हूँ कि भाई चलो मैं नहा लेते हैं सबसे पहले, ये दोनों मेरे को गाली दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं बाद में नहा लेना। लेकिन भाई सच्ची में यार ये देखो, नीचे हम टेंट लगाए थे ना और ऊपर जो है ना जोगिनी वाटरफॉल है जो सुबह कवर किया था, और अभी मतलब इधर आया आज पिकनिक करने के लिए। स्पेशली डेली पिकनिक करते हो तो आज का जो मतलब लोकेशन है सुबह के देखा तो बहुत बढ़िया लगा, सोचा चलो आज इधर ही पिकनिक करते हैं। कसम से यार 3 दिन बाद में आज नहाया मैं, सीरियसली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम 3 दिन बाद, और सोचे चलो आज ही यहाँ पे नहा लेते। और यहाँ का जो पानी है ना भाई इतना ठंडा है ना भाई, बहुत ठंडे पानी, तो भाई आगे जाकर मतलब नहाऊंगा या नहीं नहाऊंगा कोई गारंटी नहीं है, भाई यहाँ पे मतलब बर्फ मिलेगा तो इसीलिए आज नहा लिया। और हमारा जो खाना है ना रेडी हो चुका है, बस अभी खाना खाना है और फिर जाना है, बस हम लोग देखते रहना। देखते बाहर। अरे भैया, भैया जी आप कैसे हो? हाँ भैया बढ़िया, आप बताओ सब। चलो आ जाओ बाहर कुछ खेलते। अरे भाई अभी तो नहीं खेलूंगा भाई, बस मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ भाई। और एक भैया, हाय भाई, हाय, सब हाय कर दो। तो आप लोग खेल रहे हैं क्या अभी बैडमिंटन? ओके, तो आपका नाम क्या है भाई? आयुष। और आप सबका? दीपू। वाह नाइस नेम यार, तो आप लोगों के साथ मतलब शाम को खेलूंगा पक्का भाई, ठीक है। अभी तो मैं वीडियो एडिट करूंगा और फिर रेस्ट करूंगा, तो शाम को आना और मेरे को बोला आना, ठीक है, एक साथ खेलूंगा, ठीक है, बाय बाय। आपका नाम चेरू रखा, बहुत प्यारा नाम। चारी, अच्छा अच्छा, तो उसका नाम क्या है? चेरी। गाइस मैं एक्चुअली ये खाना खा के टेंट के अंदर सो ही रहा था, तब तक छोटी भाई सिस्टर हाय। तो देखो ये क्या लेके आया, उसका चेरू, चेरू, चेरू को साथ में लेके आया, इतना प्यारा सा चेरू। मेरे को लग रहा है ये डर रहा है बेचारा, उनका भूख कांप रहा है। आप ले लीजिए अपना चेरू को, ले लीजिए ले। वैसे आप नाम क्या है तुम्हारा? तो गाइस बहुत ही मजा आता है भाई, मतलब विलेज में रहना और मतलब सबसे मिलजुल के रहना भाई बहुत ही अच्छा लगता है। और स्पेशली देखो ये ट्रेडिशनल जैकेट भी पहन ले, ये ट्रेडिशनल है ना आप लोगों का हिमाचल प्रदेश का, स्पेशली आप जानते हो। ये वाला जो है ना ये डिजाइन हर चीज में होता है हमारे, बट होता है ना हर चीज में ये डिजाइन होता है ना, ये वाला पिंक ये वाला के लिए, ये हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस गर्ल्स के पट्टू, उनमें भी ये होगा और खरीद लिया क्योंकि भाई ये ट्रेडिशनल ड्रेस मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। यह देखना चाहते हैं आप, यहाँ पर भैया जीतते हुए। इधर देखना चाहते हैं एक बंदर, Bad, 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 bad
नहीं सर, क्योंकि आप लोगों ने सब मिलके इतना अप्रिशिएट किया ना, और कुछ नहीं चाहिए, वही चाहिए कि लोग थैंक यू सो मच सर। तो सर आप सबको कहना चाहता हूँ कि ट्रेवलिंग को लेके या ऐसा कुछ, जैसे आप लोग देख रहे बहुत सारे ट्रेवलर है ऐसा घूम रहे, मैं मानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा बहुत सारे हैं, तो उनको लेके आप लोग कुछ कहना चाहेंगे क्या? बिल्कुल, ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी सेहत का पहले ख्याल रखें। सर चीज़ आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अपनी सेहत का भी ख्याल रखूँ, क्योंकि आपको बहुत आगे तक के जाना। थैंक यू सो मच सर। भाई सर जो ब्लॉग है ना, मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ कल सुबह 8 बजे। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ आज का जो वाटरफॉल का वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी करना है कर देना, और कंजेसी मत करना, मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। बाय बाय ब्रो।